गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी विल लर्न साइंस इन क्लास फोर्थ। आज हम लोग कक्षा चार में विज्ञान पढ़ेंगे। अब देखिए, विज्ञान में साइंस SCIENCE साइंस में चैप्टर सेकंड पार्ट दो में पार्ट थ्री भाग तीन क्या है, एक्सरसाइज। पार्ट थ्री में हम लोग एक्सरसाइज सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ देखिए, पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन बिलो। इसका देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल मीन्स भरो, भरना, इन द ब्लैंक्स खाली स्थान में, विथ वर्ड्स गिवन बिलो, गिवन मीन्स दिए गए, बिलो मीन्स नीचे, वर्ड्स मीन्स शब्द, विथ माने से। जो नीचे दिए गए शब्द हैं उन्हीं शब्दों से हमें खाली स्थान में भरना है। तो देखिए, यह शब्द कौन कौन से दिए गए हैं। दिए गए कोकोनट, नारियल, कोकोनट में नारियल, जीरोफाइट्स यह पौधा है एक प्रकार का, यह डेजर्ट प्लांट है, रेगिस्तान मरुद्भिद पौधा है इसका नाम, इसको कहते हैं पॉन्डवीट, यह जली पौधा होता है, स्ट्रेट सीधे पौधे होते हैं, मैनग्रोव यह एक सदाबहारी पौधा होता है, झुरमुट की तरह होता है, सदाबहारी पौधा होता है। तो अब हम देखेंगे, पहले में लिखा गया है PLANTS प्लांट्स दैट ग्रो इन डिजर्ट आर कॉल्ड, उसके बाद स्पेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका आशय समझेंगे सेंटेंस का, कुछ अगर हमको हिंदी मीनिंग थोड़ा बहुत आ रही है तभी जो है हम इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, वैसे तो हम आपको हिंदी थोड़ा बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग यह इंग्लिश में ही याद करना। प्लांट्स दैट ग्रो, प्लांट्स मीन्स पौधे, दैट ग्रो जो ग्रो मीन्स उगते हैं, इन डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में या मरुस्थल में, आर कॉल्ड क्या कहे जाते हैं, उसको कहते हैं जीरोफाइट्स, उसको क्या कहते हैं, जीरोफाइट मरुद्भिद पौधे, जीरोफाइट को यहाँ भर लीजिए, XEROPHYTES, जीरोफाइट्स। अब सेंटेंस हो गया, प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। अगला है सेकंड, दूसरा देखिए, स्पेस है, ट्रीज ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेज लाइक सी कोस्ट, सी कोस्ट समुद्र के किनारे, समुद्र के अगल बगल। अब देखिए, ह्यूमिड मीन्स होता है नमी स्थान, और हॉट मीन्स गर्म स्थान। तो ट्री ग्रोज कौन से पौधे नमी और हॉट स्थान पे पाए जाते हैं, जैसे समुद्र किनारे। तो आप लोग देखेंगे कोकोनट, नारियल का वृक्ष लगभग
समुद्र के किनारे ही पाया जाता है, क्योंकि यह साधारण पानी में कम वृद्धि करता है। इसके लिए खारे पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब आप यहाँ देखिए तो हम भरेंगे यहाँ कोकोनट, सी ओ सी ओ एन यू टी, कोको नट, कोकोनट मीन्स नारियल। अब हमारा सेंटेंस हो गया कोकोनट ट्रीज ग्रो इन हॉट एंड हमीज प्लेसेज लाइक सी कोस्ट। अब देखिए थर्ड तीसरा है हिली एरियाज हैव टाल कॉनिकल एंड स्पेस है प्लांट। तो हम क्या भरेंगे इसमें, तो ऊपर देखेंगे कि अब पहले इसकी हम मीनिंग समझेंगे। हिली एरियाज जो पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे होते हैं, टाल लंबे होते हैं, कोनिकल, कोनिकल मीन्स शंख के आकार के, एंड और क्या होते हैं हम आप लोगों को बताए थे कि स्ट्रेट होते हैं, सीधे लंबे सीधे होते हैं वो। तो यहाँ भरा जाएगा स्ट्रेट, एस टी आर ए आई जी एच टी। आप देखिए सेंटेंस देखिए, हिली एरियाज हैव टाल कॉनिकल एंड स्ट्रेट प्लांट्स। चौथा है, फोर्थ है, देखिए प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरिया आर कॉल्ड, प्लांट्स दैट ग्रो, पौधे जो मर्सी एरिया दलदल क्षेत्र में जो ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं माइल ग्रो, एम ए एन जी आर ओ वी ई माइल ग्रो। अब सेंटेंस आपका हो गया प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरिया आर कॉल्ड मैन ग्रोव। फिफ्थ है देखिए यहाँ स्पेस है रिमेन कम्प्लीटली अंडर वाटर। अब देखिए अब पांचवे में क्या बचा है, खाली यही पॉन्ड विड बचा है। यह पूर्णतः क्या है, अंडर वाटर, पानी के अंदर रहता है, यह जलीय पौधा है। तो आप यहाँ भर दीजिए पी ओ एन डी डब्लू डबल ई डी। अब आपका यह फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में सत्य असत्य, जो कथन आपको सत्य लगेगा या सत्य है उस पर आप ट्रू लिखेंगे, जो कथन असत्य है उस पर आप फॉल्स लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक में कॉनिफेरस ट्रीज डू नॉट बियर कोन्स, कॉनिफेयर ट्री डू नॉट बियर कोन, उनमें कोन नहीं होते हैं। तो जो कॉनिफेरस मीन्स होता है शंकुधर, शंकुधर पौधे इसमें कोन नहीं होते हैं। अगर शंकु के शंकुधर पौधे हैं तो कोन जरूर होगा, शंकुधर पौधे डू नॉट, इसमें दिया है डू नॉट नहीं होते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉल्स, एफ ए एल एस ई। यह कथन गलत है क्योंकि शंकुधर पौधे कोण रखते हैं, इसलिए यह फॉल्स हुआ। दूसरा है कैक्टस प्लांट्स ग्रो इन हिली रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र, हिली रीजन पर्वतीय क्षेत्र में, एक कैक्टस का प्लांट पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। कैक्टस मीन्स होता है नागफलनी, नागफलनी की तरह का पौधा होता है
वह कांटेदार होते हैं कैक्टस, तो यह तो मरुस्थली पौधा है, तो यह सेंटेंस क्या है? कैक्टस प्लांट ग्रो इन हिली एरिया, सही है गलत है? यह भी फाल्स है, हिली एरिया में नहीं होता है, यह डिजर्ट एरिया में होता है, फाल्स, एफ ए एल एस ई। तीसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप पीचर प्लांट एंड संडिव आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये सब पौधे कीट भक्षी होते हैं, ये कीटों को खाते हैं। पीचर प्लांट में से घड़े की तरह, घड़े के आकार का एक पौधा होता है, जब उस पर कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो वह धीरे धीरे अपना मुख जो है बंद कर लेता है, तो उसे वह पीचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो यह पौधे क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस, कीट भक्षी पौधे कहे जाते हैं, इन्हें कीट भक्षी पौधे कहे जाते हैं। तो यह क्या है? यह ट्रू है, टी आर यू ई। चौथा है, देखिए, फोर्थ, डकवीड इज ए फिक्स वाटर प्लांट। डकवीड ए फिक्स वाटर प्लांट नहीं है, इसलिए यह क्या है? यह फॉल्स है, एफ ए एल एस ई, फॉल्स। अगला देखिए, रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अफ्रीका। यह क्या है? यह ट्रू है, टी आर यू ई, ट्रू, पाया जाता है। डकवीड प्लांट मैंने बताया फिक्स वाटर प्लांट में नहीं आता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। इस क्वेश्चन नंबर थ्री में अब आप लोग पढ़ेंगे मैच। मैच मीन्स होता है मिलान करना है। तो देखिए, पहले में कैक्टस लिखा गया है, दूसरा में मैंगो लिखा गया है, तीसरे में पाइन, चौथे में मशरूम है, और पांचवें यानी फिफ्थ में कोकोनट है। तो और इधर ए नॉन ग्रीन है, बी में हिली एरिया, सी में डिजर्ट प्लांट है, और डी में हॉट एंड डंप एरिया है, और ई में प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स होता है मैदानी भाग, मैदानी क्षेत्र। तो अब देखिए, कैक्टस को हम किससे मिलाएंगे? कैक्टस को किससे मिलाएंगे? कैक्टस को मिलाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कैक्टस डिजर्ट प्लांट है, तो इसको हम सी से मिला देंगे। अब कैक्टस डिजर्ट प्लांट। मैंगो, मैंगो मीन्स आम है, तो हम मैंगो को मिलाएंगे प्लेन से, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी भागों में आम, नीम, कटहल, ये सब पौधे वृक्ष पाए जाते हैं। तो हम मैंगो को मिला देंगे सी से। सी में है प्लेन्स। तीसरा है पाइन। अब हम पाइन को किससे मिलाएंगे? पाइन को मिलाएंगे हम, यह हिली एरियाज है, यह पर्वती क्षेत्र में पाया जाता है, हिली एरियाज। फिर फोर्थ मशरूम है। मशरूम को हम किससे मिलाएंगे? क्योंकि मशरूम प्लांट यह हरे रंग का नहीं होता है, यह नॉन ग्रीन प्लांट है, इसलिए हम इसको ए से मिला देंगे, ऊपर ले जा कर के ए से मिला देंगे। मशरूम को हम नॉन ग्रीन प्लांट से मिलाएंगे। फिर फिफ्थ, पांचवा कोकोनट। कोकोनट में हम देख रहे हैं कि यह डी बचा है, हार्ट एंड डंप एरिया, इसको हम डी से मिला देंगे, हार्ट एंड डंप एरिया से मिला देंगे। आई बात समझ में? अब देखिए, कैक्टस को हम सी डिजर्ट प्लांट से मिलाए, दूसरा मैंगो को हम ई प्लेन्स मिलाए, तीसरा पाइन को हम
हीली एरिया मिलाए, मैच करा मैच किए और मशरूम को ए से, ए में नॉन ग्रीन है उससे मैच किए और फाइव में कोकोनट है तो हम डी में हार्ट एंड डंप एरिया है उससे मैच कराए। तो आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और पढ़िए, पढ़ लीजिए, नोट बुक में इसको आप बनाइए और यही रिवाइज करिए, क्योंकि बुक का अभाव सभी बच्चों के पास है, इसलिए यह हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं और आप लोग साफ साफ अच्छी राइटिंग में इसको लिखिए, पढ़िए। अब अगला टॉपिक, अब अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।